श्री मुखर्जी, आज बड़ी हर्ष की बात है जो दलकोला में पधारी हुई है। दलकोला के ओर से उन्हें बहुत बहुत सद्भावना और धन्यवाद। साथियों, यह सरकार की जो नीतियां हैं, मैं कुछ मुहावरा के तौर पर इस शहर पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेमानों को राज बदल। साथियों, यह सरकार जब आई थी तो सिंगू नंदीग्राम को छिंड भिंड करके जो करोड़ों करोड़ लाखों आदमी को काम मिलता, आज वह हमने लूटती है और दिन रात सिर्फ जेल कचहरी कोर्ट में पड़ी हो जाती है। उधर मोदी जी कह रहे हैं जो मैं तुमको अन्न दे रहा हूँ 5 किलो 6 किलो करके, लेकिन बेरोजगारी। आज दलकोला का हालत क्या और जगह का हालत क्या, जो काम करते थे वो काम से लोग वंचित हैं। शिक्षा के आधार में शिक्षा को टोटल बर्बाद कर दी है, शिक्षा में कुछ भी नहीं बचा है। जो आज 8 क्लास पास करने के बाद तभी वो पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज गरीब जो लड़का है वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसका बेरोजगारी कारण गार्जियन ऐसे भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। साथियों, रेल में जा रहा हूँ, रेल बिक्री कर दिया मोदी जी, उधर जो है हवाई अड्डा बिक्री कर दिए, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। साथियों, सिर्फ यही रह गया है लूटो कूटो। इधर दोस्ती उधर कुश्ती, यहाँ दूसरे को बदनाम करती है वो, मैं दोस्ती करता हूँ, मैं उसके यहाँ ये लाने जाता हूँ। नियम बहुत सारी है, या क्या कह गई थी, मैं इतने दिनों में इतने काम दूंगा, रोजगार दूंगा, ये नीति कहाँ गई। आज लोगों को पढ़ लिख करके आज अच्छे अच्छे घर का एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। इन्होंने कोरोना के टाइम में मोदी जी बोला था तुमको 16 घंटा काम करना होगा, मैं व्यवहारिक रूप से नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR भी करे मोदी जी बोलते यार। साथी, आज कंपनी वाले इनको 16 घंटा काम करवाता है, वो भी काम नहीं मिल रहा है, ये हालत है। साथियों, बहुत दुखद की बात है। स्वास्थ्य में जाइए, सिर्फ का दिया चुरपुर दे दिया, तुम्हारा स्वास्थ्य का इलाज हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा जीरो पॉइंट में। और दवाई का दाम, मोदी जी थोड़ा शर्म हया कीजिए, दवाई का जो दाम आपने किया है कई रोजों में, जो है जो दवाई आपको मिलता था 85 रुपया में, उसका दाम एक बार 115 130 तक कर दिए हैं। यही आपका मनोकामना है? ओ, इधर दोस्ती उधर दोस्ती। साथियों, समझने का दौर है। किसान को जाइए, किसान को उसमें मक्का क्या दाम मिलता है, आज उस मक्का का दाम क्या है, यह हालत पर क्या होता है। खाद के बारे में जाइए, खाद पहले 45-50 किलो खाद मिलता था, आज के दौर में खाद जो है उसका वजन 40 किलो घटा घटा कर दिया है। क्या हो रहा है किसान भाई, समझे? मैं भी आता हूँ परिवार का गरीब से, आपको हाथ जोड़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इस दोनों को बदलें और आने वाला युग में, आने वाला वक्त में आप इसको समझें। ताकत के बल पर कोई शेर शेर नहीं होता, 1 लाख से कोई कब्जा है कमजोर नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को प्रणाम और नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को शेष कर रहा हूँ। नमस्ते, नमस्कार। পায়ে হেঁটে কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছে ইনসাফ যাত্রা। গোটা রাজ্যের মানচিত্র দিয়ে, আপনার পাড়াগুলি মহল্লা দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া সরকারি না ইনসাফের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইনসাফ যাত্রা হাসবে রাজ্যের কোচবিহার। আগামী 7 জানুয়ারি জনগণের ব্রিগেড সমাবেশ সম্পন্ন।
পাহাড় থেকে সাগর মাঠ থাকি।